46, 45, 45, कोई भी एक टीम यहां से अगर अच्छा खेलती है और कोई भी एक टीम वहां से अगर खराब खेलती है, वो बाहर भी हो सकती है. डे थ्री इज ऑलवेज द डे ऑफ केओस, और शायद वो केओस कल होगा. जैसा हमने बोला था, वो हो जरूर सकता है. बट सेवन सी, उनकी शुरुआत इतनी बेहतरीन थी कल के दिन की, अगर हम लोग बात करें. अपने आपको टॉप 16 में देखा था उस टीम ने, एंड वेल अभी 20वें पायदान पर हमें ये टीम नजर आ रही है. आप देखिए टीम चिकन रशर्स को, एक चिकन उन्होंने निकाला, उसके बावजूद 23वें पायदान पे हमें देखने को मिल रहा है. बिल्कुल भी यहाँ पर जो गेम प्ले है वो अच्छे जा नहीं रहे. ऑर्गलेस 5 को आप देखिए कितनी स्ट्रांग वो टीम, बट हमें 22वें पायदान पर देखने को मिल रही है. मीजो की बात करें, अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आएंगे. एक गेम में 15 पोजीशन पॉइंट्स और 7 गेम में 3 पोजीशन पॉइंट्स चिकन रशर्स की, ये थोड़ी सी एक खराब चीज रही, क्योंकि आप यही बात कर सकते हैं, राइट जी. दे ट्राई टू हैव गुड गेम्स, कोशिश थी, एक आया जरूर. उस बाकी की टीम्स की बात करें, एनिग्मा गेमिंग 9वें पायदान पे, यू डॉग एक बार फिर से हमें नीचे जाते हुए नजर आएंगे. टैक्टिकल ईस्पोर्ट्स की बात करें, वो हमें नीचे जाते हुए नजर आएंगे. लेकिन दो टीम्स का आगमन हमें टॉप 16 में देखने को मिल रहा है. एक रहने वाले हैं टीम सोल, दूसरे रहने वाले हैं टीम एक्स पार्क. टोटल जो पॉइंट्स है उनके वो हमें बराबर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन पोजीशन पॉइंट टीम सोल के ज्यादा, इसलिए वो हमें एक पायदान ऊपर देखने को मिलेंगे. बट ओवरऑल आप देखिए, वो जो निशान नीचे की तरफ बना हुआ है उनकी पोजीशनिंग के जस्ट पड़ोस में, वो साफ साफ दर्शाता हुआ कि पिछले मैच में जब वो नहीं खेल रहे थे तो बाकी की टीम्स का बढ़िया प्रदर्शन हमें देखने को मिला. तो वही सेम चीज है कि आपको अच्छा तो खेलना है, साथ ही साथ सामने वाली टीम जो है उसके साथ भी आपको कदम से कदम मिला के चलना है. इनफैक्ट अभी पहला पायदान, दूसरा पायदान, वहां पर पॉइंट्स का फर्क कितना है, 111-102. ऐसा लगा था कि शायद एक्सो पहले पायदान पर जाएगी, बट ओआरई स्पोर्ट्स नीचे गई है. ये गेम उनका एक्सो के कंपैरिजन में थोड़ा सा खराब था. अगर ओवरऑल बात करें तो अच्छा था, बट एक्सो के कंपैरिजन में थोड़ा सा खराब था. बट वहीं पर अगर हम लोग बात करें, गॉडलाइक के टोटल फिनिशेस 57 उनके पास आते हैं, 31 लोएस्ट पोजीशन पॉइंट्स है टॉप 7 में अभी तक इस टीम के. और हैदराबाद हाइड्राज कमबैक, व्हाट अ डे टू हैव अ गुड डे. एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया कमबैक हमें टीम हैदराबाद हाइड्राज का देखने को मिलता है. एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू सी इट, बिकॉज ग्राइंड के बाद से हम देख रहे थे कि परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा नीचे जाता, लेकिन अब आज से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जरूर से मिला होगा. टीएसएम की बात करें, 7वें पायदान पे ही नजर आएंगे. सुपारी गैंग ने यहाँ पर एक अच्छी जंप जरूर से मारी है, वो हमें 8वें पायदान पे देखने को मिल जाएंगे. अगर हम कितनी प्यारी अपनी बीजेएमआई कम्युनिटी, लेकिन आजकल कम क्यों है यूनिटी. एक को प्यार और दूसरे को हेट, क्या दोस्ती के किस्से तुमने यहाँ सुने. नहीं होती इनसे गलती तो फिर कर.